नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में कैसे आप अपने लोन ईएमआई पर 2 साल तक मोरेटोरियम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने भी किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है, अगर आप अपने लोन ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से एक नोटिस आया होगा, जिसके तहत 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार को आपके नज़दीकी तहसील में आपको बुलाया गया है। अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में हाजिर होते हैं, तो आप अपने लोन ईएमआई पे 2 साल तक अपने लोन ईएमआई पर 2 साल तक राहत पा सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत 2023। इस महीने 11 फरवरी 2023 को दिन शनिवार को आपके नज़दीकी तहसील में लगने जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सभी के पास नोटिस जा चुका है। ये नोटिस को देखते ही सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आता है, क्या राष्ट्रीय लोक अदालत जाना ज़रूरी है? तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय लोक अदालत एक समझौता केंद्र है, जहां पे दो पक्षों के बीच में सुलह कराया जाता है। दोनों पक्षों के सहमति के बाद ही यहाँ पे कोई भी फैसला दिया जाता है। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, तो उस लोन के सेटलमेंट के लिए आपको राष्ट्रीय लोक अदालत बुलाया जाता है, और ये पूरा सेटलमेंट का कार्य मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के देखरेख में किया जाता है। अगर मान लीजिए आप बैंक के फैसले से खुश नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है, आप उस फैसले का विरोध कर सकते हैं, उस फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा, आपको अगली बार दोबारा बुलाया जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था क्या राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मोरेटोरियम लिया जा सकता है लोन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें, राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मोरेटोरियम नहीं लिया जा सकता, पर जो लोन सेटलमेंट किया जाता है और जिस बात पे समझौता किया जाता है, उसमें उस ईएमआई को देने के लिए, उस सेटलमेंट अमाउंट को देने के लिए आपको समय दिया जाता है, और ये समय 2 साल नहीं, ये 11 महीने तक का दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके साथ सेटलमेंट समझौता हो जाता है, अगर आप उस समझौता पे राजी हो जाते हैं, और आपके पास उस समय उतना पैसा नहीं होता कि आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे पाओ, तो आपको यहाँ पर 11 महीने तक का समय दिया जाता है उस लोन को चुकाने के लिए। इस 11 महीने में आपको यहाँ ईएमआई तक का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आप 11 महीने तक चुन सकते हो। कहने का मतलब है कि आप 11 ईएमआई में अपने पूरे सेटलमेंट अमाउंट को चुका सकते हो। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर जाने से पहले अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के कमेंट में दे दूं।